हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज यू पैंथर। नाउ लास्ट सेशन तक हम लोगों ने अच्छा खासा पोर्शन एटॉमिक फिजिक्स का कवर कर लिया। इस सेशन में लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप तक अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये सेशन फिनिश होने के बाद हम लोग जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने वाले हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स के बाद हम लोग सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पेशल केसेस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। सो फॉर्मूला क्या लास्ट टाइम डिराइव किया हम लोगों ने, 1 upon lambda is equal to R 1 upon P square minus 1 upon N square, और इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। सो लेट्स से दीज आर योर एनर्जी लेवल लेवल्स, लेट्स से दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, दिस विल इज 5, 6, 7, 8, 9 टिल इंफिनिटी तक। नाउ सी, जो इसमें क्वेश्चन आता है मोस्टली वो सीरीज लिमिट पे आता है। फाइंड आउट द सीरीज लिमिट इन पर्टिकुलर सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ, मतलब उस पर्टिकुलर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो सी, अपने पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, that E can be written as hc by lambda, because nu is frequency, c is speed of light, और lambda अपनी wavelength हो जाएगी, c is equal to nu lambda का formula use किया हम लोगों ने। Now it means that your energy and wavelength are inversely proportional, और अपने पास क्या है, जो formula है वो En minus Ep है, and that is hc by lambda। तो ये जो energy gap है और ये जो wavelength है, ये क्या अपना inversely proportional है। तो जितना ज़्यादा gap होगा wavelength क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। मुझे क्या पूछा है उसने, मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए, सिंपली मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब, मैक्सिमम एनर्जी गैप मुझे कब मिलेगा, जब लेवल जो है वो, सपोज मैं फर्स्ट लेवल का फाइंड आउट कर रहा हूँ और मैक्सिमम गैप चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करना चाहिए, इन्फिनिटी से जंप करना चाहिए, कहाँ पर, फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे जंप होगा कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो मुझे मैक्सिमम एनर्जी गैप मिलेगा, एंड एट दैट टाइम यू विल गेट मिनिमम वेवलेंथ। So we can say that for minimum wavelength, remember this is for minimum wavelength, not frequency, yeah? For minimum wavelength, your n should be infinite. अपना जो n है वो infinite होना चाहिए। तो उस हिसाब से formula क्या हो जाएगा, Lyman series में 1 upon lambda is equal to 1 r 1 upon, so this is 1 square, and ये क्या हो जाएगा, 1 upon infinity, infinity square वैसी कोई चीज नहीं होती फिलहाल, so ये r by 1 हो जाएगा, so lambda will be what, simply, so इसका reciprocal हो जाना चाहिए, तो 1 by r हो जाएगा ये, next है, Balmer series, Balmer में हम लोगों को पता है, second level पे jump होता है, so see, 1 upon r, this will be 2 square, माइनस वन अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, सो बेसिकली ये पार्ट अपना पूरा जीरो हो जाएगा, आर बाई फोर मिलेगा। सो इन शॉर्ट ये क्या मिला हम लोग को, लैम्डा इज इक्वल टू फोर बाय आर। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग पास्टन का भी निकाल सकते हैं। पास्टन में कहां पे जंप होता है, थर्ड लेवल पे जंप होता है, सो वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस दिस पार्ट विल बी जीरो, सो आर बाय नाइन हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, नाइन बाय आर। सी इट मीन्स दैट जो फॉर्मूला अगर आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड लास्ट वन फंड सीरीज, इसमें लैम्डा मिनिमम क्या मिला आप लोगों को, सी लैम्डा मिनिमम दैट इज वन बाय आर, इसमें क्या मिला था हम लोगों को, फोर बाय आर, सी फोर बाय आर, और पास्टन में क्या है, नाइन बाय आर, सो दिस इज 9 by r, so simply ये कितना होना चाहिए, 16 by r, और ये क्या हो जाएगा, 25 by r, because इसमें jump हो रहा है वो p अपना 1 है, तो 1 का square ले लिया है, here we have p as to 2 square, p is equal to 3, p is equal to 4, p is equal to 5, so just ये values put करने, उसका square लेना, divide by r कर देना, हम लोग को उस particular series का minimum wavelength मिल जाएगा। Now what about maximum wavelength, अब अगर maximum wavelength निकालना है तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी डिफरेंस कब
कब मिलेगा? जब भी क्या होगा, जस्ट एक ऊपर से जंप करने वाला है, बिकॉज यहाँ पे तो गैप बढ़ जाएगा, ये गैप मेरा कम होने वाला है। मतलब कि अगर लाइमन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करना चाहिए? जस्ट एक ऊपर से, मतलब सेकंड लेवल से। पाल्मर का निकालना है तो थ्री से। इसका मतलब सी, लाइमन का फॉर्मूला अगर डिराइव करो मैक्सिमम के लिए, सो वन अपॉन लैम्डा आर वन अपॉन दिस इज वन स्क्वायर एंड दिस विल बी दिस वन स्क्वायर टू स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो वेवलेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी। सिमिलरली बाल्मर में क्या हो जाएगा, ये टू स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर। पास्टन में क्या होना चाहिए, एन की पी की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर। ब्रैकेट में पी की वैल्यू फोर है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइव। इसमें क्या है, पी की वैल्यू फाइव है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स। बहुत सिंपल है। मोस्टली वो लोग सीईटी के एग्जाम में या फिर इवन बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सीरीज लिमिट, व्हाट इज द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर का सीरीज लिमिट क्या होगा, 16 बाय लैम्डा। बोर्ड में पूछा है तो डायरेक्टली 16 बाय लैम्डा मत लिखो, वहां पे लिखो कि दैट पी इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर सीरीज लिमिट। एंड फॉर्मूला लिखो पूरा का पूरा, 1 अपॉन लैम्डा दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। उसके बाद ये स्टेप पे पहुंचो, डायरेक्टली वहां स्टेप पे मत जाओ। बाल्मर है सो बाल्मर में 4 तो 2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। और मैक्स इवन दोनों के लिए अगर सीटी बोर्ड्स ने पूछा है तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। सीटी में तो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे जंप कर सकते हो, वहां पे आर की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग ने फिनिश कर दिया और यहाँ पे अपना एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट फिनिश हो जाता है। इसके बाद वाले सेशन में लोग रेडियो एक्टिविटी के 2-3 डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।